खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उप जिला अधिकारी गौरव जटवाल ने आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी सीजन को लेकर क्षेत्र के किसानों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सता के नेतृत्व में मास्टर हरदेव सिंह सहित करीब 2 दर्जन किसान मौजूद रहे। इसी दौरान धान खरीद सुचारू रूप से चालू कराने, पल्लेदारों द्वारा टोल में किसानों या के साथ हेराफेरी बंद करने सहित अनेक मांगों से उप जिला अधिकारी को अवगत कराया गया। साथ ही इन सभी समस्याओं से तत्काल निजात दिलाने की मांग की, जिस पर उप जिला अधिकारी ने बैठक में उठी सभी समस्याओं को जल्द ही हल कराने का आश्वासन दिया। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा धान खरीद का जो है सीजन स्टार्ट होने वाला है, और इसलिए जो यहाँ के जशपुर के किसान लोग हैं उनके एसोसिएशन जो है उनको बुलाया गया था, और इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग और मंडी के लोगों को भी बुलाया गया था, ताकि 1 अक्टूबर से जो हमारी खरीद शुरू होनी है उसकी जो तैयारियां हैं या किसानों की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से या केंद्रों से और संबंधित डिपार्टमेंट से या उनसे मिलर से, तो उसको सुन के उसका उसमें जो भी चीज़ें हमें करनी है पूर्व में वो हम भली बात कर सकें। किसानों से पूछा गया कि लास्ट ईयर किस सेंटर पर क्या उनको क्या दिक्कतें आई, वो उनके द्वारा बताया गया, तो उन सभी समस्याओं का संज्ञान लेके उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई करी जाएगी, ताकि 1 तारीख से हम लोग अपना धान खरीद का जो ये सत्र है ये ठीक प्रकार से हम शुरू कर सकें। तो ये सी आगे एसडीएम कार्यालय पर मीटिंग थी, या धान का सीजन आ रहा है, किसानों का धान पक के तैयार होने वाला है, तो जो क्रय केंद्र लगने थे धान क्रय केंद्र, उसी विषय में चर्चा हुई है। जो किसानों की समस्या थी वो शहरी एसडीएम साहब ने पूछी है कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं पिछले वर्षों, और वो हमें बताइए क्योंकि उनका सोल्यूशन किया जाए। तो इसलिए हमारे पूरे किसान क्षेत्र के आए हैं, जहाँ जहाँ जो दिक्कत आई है सब किसानों से ली गई है वो दिक्कतें, और उन्हें दूर करने का आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है। गारंटी भोजन का टाइम आ गया है, उसके लिए चलाई के लिए जैसे सेंटर की कमी थी उसके सेंटर के लिए उन्होंने कहा है कि सेंटर हम बढ़ाएंगे, और पल्लेदारों के लिए भी जो धांधली करते हैं बीच में पल्ले जो कटे हैं वो छुपा लेते हैं, वो बिनाई कर देते हैं उसमें बड़े करते हैं, और पल्लेदार जो है वो साफ सफाई नीचे जो धान का गेहूँ रह जाती है वो माल बड़ा दे जाते हैं। एक बार की बात है गड़ी नेकी में ये सेंटर लगे तो वहाँ जगह बताई गई थी इस जगह पे इतलाई होनी है, जगह बिल्कुल साफ है, पल्लेदार आए और उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ तलाई नहीं करेंगे, हमें क्या इसमें मिलेगा। तो इसलिए उनकी सुधार के लिए सभी यहाँ बातें हुई, तो एसडीएम साहब ने ये सब माना कि हम जो आप जो कमियाँ हैं वो हम पूरी करेंगे। गर्म पट्टी में जो सीधर सिंह ने बताया था कि धान की कम धान की तलाई होती है, उन्होंने कहा कि धान बढ़ाएंगे और सेंटर